हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, क्योंकि आजकल टाइम तो बहुत खराब चल रहा है और सब लोग बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि इतनी भयानक भयानक सी न्यूज आती हैं। ये ऑक्सीजन खत्म हो गई, ये दवाई खत्म हो गई, यहाँ बेड नहीं मिल रहे हैं, इतने लोग मर गए। अच्छी न्यूज तो कोई देता ही नहीं है। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि एंग्जाइटी और फियर दोनों चीज इकट्ठा होकर इंसान को बीमार बना देती हैं। हमारे यहाँ पर योगा में कुछ एक ऐसी टेक्निक्स हैं जो इस एंग्जाइटी से बचा जा सकता है, जो इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। क्योंकि अगर एंग्जाइटी और स्ट्रेस नहीं होगा तो हम अपने आप को अच्छे से हेल्प कर पाएंगे और अच्छे से उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। और योगा में ये ताकत है। योगा में प्राणायाम एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इसकी कई सारे तरीके हैं प्राणायाम के, डीप ब्रीदिंग के तरीके हैं। तो अगर उनको अपनाया जाता है तो आज के इस पेंडेमिक के टाइम में इस बीमारी से भी बचा जा सकता है। अपने आप को इतना काबिल बनाया जा सकता है कि हम डट के उसका मुकाबला करें और वो हमें ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए। तो इसमें जैसा कि बताया, प्राणायाम एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करती है, और जब ये सिस्टम मजबूत होगा, लंग्स हमारे मजबूत होंगे, तो हम इस जो ये इन्फेक्शन आया हुआ है, जो ये महामारी आई हुई है, उसका मुकाबला कर पाएंगे। वैसे तो प्राणायाम के सारे ही तरीके बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन जो एक तरीका आज हम बात कर रहे हैं जो इस वायरस को फैलने से रोक सकता है, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का आप जब किसी भी योग गुरु को सुनते हैं तो उसके वो बताते हैं कि कैसे करना चाहिए। आज उसी को रिपीट करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एक, और यहाँ तक कि एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जो वाइब्रेशन उस वायरस को खत्म करने में, उस वायरस से बचाने में हमारी मदद कर सकती है। जब भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है तो हमारे लंग्स में नाइट्रस ऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो वायरल इन्फेक्शन से हमें बचाती हैं। जितना ज्यादा ये प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा वायरल से बचने की ताकत हमारे अंदर आएगी। ये इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं वो हमें उस वायरल इन्फेक्शन से बचाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको करना कैसे है। बहुत सिंपल है ना, इसके लिए आपको कुछ भी तामझाम करने की जरूरत नहीं है। कोई आपको स्पेसिफिक जगह नहीं चाहिए, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं चाहिए, कोई ऐसा सिखाने वाला नहीं चाहिए कि आप कैसे कर पाएंगे। आप जस्ट अब एक बार देख लें और उसके बाद आप खुद भी कर सकते हैं और खुद ही कर सकते हैं। और जब खुद ही कर सकते हैं तो ये सेल्फ हेल्प का एक सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका है। कैसे करना है इसको? आपने लंबी सांस खींचनी है और हमिंग साउंड निकालनी है। ये हमिंग साउंड निकालते हुए आपने सांस छोड़नी है। लंबी सांस खींचनी है, फिर हमिंग साउंड करते हुए सांस को छोड़ना है। आप इसमें ओम भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप मुंह खोल के करेंगे तो जो साउंड आएगी वो ओम की साउंड आएगी। आप मुंह खोल के भी उसको कर सकते हैं। जितनी देर तक आप सांस खींच सकते हैं और जितनी देर स्लोली स्लोली आप उसको छोड़ सकते हैं, उतना ही ज्यादा फायदा होगा इसका। अगर आपको इफेक्ट देखना है तो आप ऐसे करके देखिए। अपने कान के ऊपर यहाँ हाथ रखिए और ये उंगलियां रखिए सिर के ऊपर, और अब भ्रामरी को आप करके देखिए। आपको अपने पूरे इस एरिया में वाइब्रेशन फील होगी, और ये जो वाइब्रेशन है ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू आपके लंग्स तक भी जाएगी, और वहां पर जो नाइट्रियस ऑक्साइड बनेगा वो आपको हेल्दी रखने में बहुत मदद करेगा। ये तो हो गया तरीका कैसे करना है। अब कितना करना है? कितना की कोई लिमिट नहीं होती है। आपके पास जब टाइम हो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 राउंड सुबह 5 शाम को, मतलब 5 बार सांस अंदर लेके और हमिंग साउंड करके छोड़ना है सुबह, 5 बार शाम को, और दिन में जब भी मौका मिले तो 2-2 राउंड आप कर सकते हैं। मतलब दो दो बार ब्रीद इन हमिंग साउंड, ब्रीद आउट, 2 बार आप कर सकते हैं। तो इतनी बार कौन सा मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है ना, किया जा सकता है। ये तो साइंटिफिकली प्रूव है कि अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक सही रहेगा, हमारे लंग्स सही रहेंगे, तो हमें हमें इन्फेक्शंस नहीं होंगे।
और आजकल बायोफिजिक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं जिसमें ये देखने की कोशिश की जा रही है कि ये जो एक सिस्टम है, ये जो भ्रामरी का एक सिस्टम है, ये हमें कैसे मदद करता है। इसके ऊपर खोज चल रही है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि ये इसमें कौन सा जादू है जो हमें ये इतनी मदद करता है। तो जिस चीज के ऊपर खोज चल रही है, रिसर्च चल रही है और जिसे हम आराम से कर सकते हैं, तो वो तो मुफ्त की चीज आराम से कर ही लेनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको नाइट्रेट रिच फूड खाने चाहिए जो आपके लंग्स को हेल्दी रखें। देखिए, अभी पूरे वर्ल्ड में 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। तो क्या एक दिन अर्थ डे मना के हमारा काम चल जाता है? अर्थ को हमने इतना बीमार कर दिया है, इतना उसको थका दिया है कि वो अब हमें कैसे प्रोटेक्ट करे, उसके लिए समस्या हो गई है। और यही कारण है कि जब पेड़ कट गए हैं, पेड़ कट गए, ऑक्सीजन की कमी हो गई, अब सिलेंडर के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। ऐसा क्यों? ये नेचर ने नहीं किया है, ये अर्थ ने नहीं किया है, ये इंसान के लालच ने किया है। तो इस लालच को छोड़ के अगर हम अर्थ की हेल्थ पर ध्यान दें तो हमारी हेल्थ जो है वो खुद ही ठीक हो जाएगी। फिलहाल आज की जो जरूरत है वो है हमें अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक रख के, मजबूत रख के, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के, खुद को इस पैंडेमिक के टाइम में सही सलामत रखना, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को सही सलामत रखना। और अगर सही रखने का ये एक तरीका कारगर सिद्ध हो जाता है तो इसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो इससे और क्या फायदे होते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आज का माहौल बड़ा स्ट्रेस का माहौल हो गया, बड़ा डरा देने वाला माहौल हो गया, थका देने वाला माहौल हो गया है, जिसमें लोग टेंशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, पता नहीं अगले पल क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा, हमें भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो क्या होगा, अगर हम बीमार हो गए तो क्या होगा। ये जो एक एंजाइटी एंड टेंशन जो हमारे अंदर बनती है, भ्रामरी करने से वो भी ठीक हो जाती है। अपने आप को हम काम रख सकते हैं, डीप ब्रीदिंग करें और भ्रामरी करें, अपने आप को काम रख सकते हैं। जो सिचुएशन है उसको हम फेस कर सकते हैं, उसको हम अपनी ताकत से बदल भी सकते हैं, क्योंकि जब सब सही रहेंगे तो अपने आप सिचुएशन बदल जाएगी। आज के इस पैंडेमिक टाइम में सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। जिस किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, कोरोना किसी को हो गया तो घर के कोने में अलग उसको आइसोलेशन में रख दिया जाता है, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता है, कोई उसके पास नहीं जा सकता है, हॉस्पिटल में है तो भी उसके पास कोई नहीं जा सकता है। तो ऐसे में सेल्फ हेल्प इज मस्ट। और सेल्फ हेल्प कैसे होगी? जब हम इन छोटी छोटी चीजों को अपनाएंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने एनवायरमेंट का ध्यान रखेंगे, तो सेल्फ हेल्प हो जाएगी, हम ठीक रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। बहुत ज्यादा न्यूज देखना भी बंद कर दें, क्योंकि उससे लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। जितनी प्रॉब्लम बड़ी होती है उतना हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी बना के रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो पॉजिटिविटी, वो उम्मीद खत्म हो गई तो बीमारी के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? सेल्फ हेल्प करनी है, प्राणायाम करना है, खुद को सही रखना है, एंजाइटी नहीं होने देनी है और अपने साथ साथ अपने दोस्तों और परिवार को भी सही रखना है। तो आई होप ये जो एक आसान सा तरीका है इसे अपनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये टेस्टेड एंड ट्राइड फॉर्मूला है। इसे हम अपने परिवार में रोज करते हैं, डेली करते हैं, ताकि हमारा कम से कम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सही रहे, हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो सही रहे, दोनों ही चीजें इससे सही रहती हैं। आप भी इसे अपना के देखिए, कोई बीमार नहीं भी है तब भी इसे अपनाइए, ताकि बीमारी का चांस ही ना हो। हमारी सेहत है तो सब कुछ है, हेल्थ इज वेल्थ, ऐसे ही नहीं कह दिया जाता है। तो आप इसे अपनाइए, इस बुरे दौर से सही सलामत बाहर निकलिए, खुश रहिए, हमेशा हेल्दी रहिए, मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।